हेलो, नमस्ते दोस्तों। मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे दही बड़े। ये देख ही रहे हो आप लोग, क्या है, मूंग दाल है पीली वाली, इसका छिलका नहीं है। तो सेम ऐसे उड़द का दाल भी रहता है, वो व्हाइट रहता है तो ये सब पीला थोड़ा रहता है। तो इसको हम अब रात भर, देखिए हम ये तो हम साइड में कर देते हैं, तो ये हम ओवरनाइट पूरा भिगो दिए थे। तो देखिए ये है हमारा उड़द मूंग का दाल, अच्छे से भीग गया हमारा। ये 2 कटोरी भिगोए थे, इतना हो गया पूरा। तो इसे हम आज बनाएंगे दही बड़ा। तो हमारा ये दही है, देखिए कितना अच्छे से जम गया है। तो हम चलते हैं आगे, ग्राइंड कर देते हैं इसको। हम अच्छे से धो लिए हैं, अभी धोना नहीं है, सुबह ही हम अच्छे से धो के रख दिए हैं। हम पीस लेते हैं। आप उड़द का दाल की भी बना सकते हो अच्छे से। देखिए थोड़ा बारीक चाहिए इस सोहे में। अभी हम सारे को पीस लेते हैं। तो देखिए हमारा ये पीस गया। तो इसे हमें अच्छे से फेंटना है हाथों की मदद से। जब तक हाथ से नहीं फेंटोगे तब तक नहीं होगा ये। तो इसमें हम अब नमक डालेंगे, इसे हम थोड़ा पानी में डाल के चेक करेंगे। इसमें हल्दी नहीं पड़ेगा, अगर आपकी मर्जी है तो थोड़ा जीरा डाल सकते हो, हींग जरूरी है। कैच का हींग ले लिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे, इससे स्वाद बढ़ता है। इसे हम 10 मिनट लिए ऐसे छोड़ देंगे। अब हम दही की तरफ चलते हैं। तो एक टोप ले लिए हम, अब इसमें हम दही डालते हैं जितना हमें लगेगा। ये हमारा अभी हम रात में ही इसे जमाए थे, तो कितना अच्छे दही बन गया है। अभी इसमें नमक पड़ेगा हमारा, हम जीरा भून के डालेंगे। तो हम इसमें नमक डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा धनिया पाउडर डाल देते हैं। आप मीठा बना सकते हो, चीनी भी डाल सकते हो इसकी जगह। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। सेंधा नमक डालेंगे। अभी हम जीरा भून के डालेंगे इसमें। थोड़ा सा हम 2-3 लाल मिर्ची सूखा ले लिया, तो इसे भी थोड़ा भून लेंगे। ठंडा होने देंगे इसे हम। फिर तो ये हमारा इसमें बैटर में है, इसे हम साइड में कर देते हैं। गैस पे तेल रखते हैं। तो ये हम पानी ले लिए गुनगुना, इसमें हम हींग थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें हम जो अपना मेंदू वड़ा दही वड़ा तलेंगे इसमें डालेंगे, फिर इसमें से दही में डालेंगे। देखिए तो हम थोड़ा सा हींग डाल दिए और थोड़ा सा नमक डाल दिए, इसे हमें मिलाना अच्छे से, तब तक घुल जाएगा ये। देखिए हमारा हींग घुल गया, थोड़ा गुनगुना पानी इसमें चाहिए, ठंडा पानी नहीं लेना है दोस्तों। अब हम फ्राई करते हैं जो हम बैटर भिगोए हैं, पीस के रखे हैं। तो देखिए कितना अच्छे से एकदम फ्लफी हो गया है। तो एक बार चेक करते हैं हमारा तेल कैसे गर्म हुआ है। गर्म हो गया है, तो देखिए छोटा छोटा हमें डालना है इसमें, ज़्यादा बड़ा नहीं डालना है।
तो देखिए दोस्तों कितना अच्छे से हमारा ये फूल गया है। तो ये चेक करते हम इसको, देखिए कितना अच्छे से हमारा फूल गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, हींग वाले पानी में हम डालेंगे इसे, डायरेक्ट हमें दही में कभी नहीं डालना है। देखिए कितना अच्छे से ये हमारा, 2 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ना इसमें, इसके बाद हम डायरेक्ट दही में डालेंगे पानी निचोड़ के। दिखाते हैं, इसे हम छोड़ देंगे आधा घंटा के लिए, तो अच्छे से दही भी गाढ़ा सोख लेगा, दही एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा ये दही बड़ा दिख रहा है। हमारा 1 घंटा हो गया है, तो हम इसे निकालते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा ये सेट हो गया है। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया अच्छे से। तो हम इसे प्लेट में निकालते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जो हम भून के पीस के रखते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो इमली की चटनी हम बना के रखते हैं, हरी धनिया की चटनी पीस के रखे हैं, ये भी डाल देंगे हम। तो आप ऐसे करके बच्चों को दो, बच्चे बड़े प्यार से खाते हैं। तो देखिए हमारा प्लेट रेडी हो गया, इसमें अगर आलू भुजिया नमकीन रहे तो वो भी डाल के खा सकते हो, पपड़ी रहे वो भी डाल के खा सकते हो आप। तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, तो देखिए तो कितना अच्छे से ये देखिए सॉफ्ट एकदम हो गया है, बड़े प्यार से बच्चे खाएंगे, मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।